वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन रजिस्टर। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला टॉपिक है। नीटनेस के क्वेश्चन भी आए हुए और हमारी एनसीईआरटी की क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका एक छोटा सा पार्ट है, काफी आसान है। तो आज हम ये देखे अब कार्बन रजिस्टर एक हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस बहुत छोटा सा सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अब इसमें क्या होती है तो तीन रिंग होती है या तो चार रिंग लगी हुई होती है इस पर। अब इसकी जो पहली रिंग होती है वो इसका सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट बताती है। जो अगली रिंग होती है वो इसका दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। जो तीसरी रिंग होती है वो इसका डेसिमल मल्टीप्लाई बताती है। डेसिमल मल्टीप्लाई मतलब 10^10 क्या है, 10^0 है, 10^1 है। इसका यूज करते हैं इसकी कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू निकालने में यूज करते हैं। और ये जो चौथी रिंग है वो इसका कितना परसेंटेज एरर है इसकी इसकी जो वैल्यू हम निकाल उसमें कितना वेरिएशन आ सकता है वो बताती है। अब जो इसमें जो चार रिंग के कलर हो सकता है वो इनमें से कोई कलर हो सकता है, जैसे या तो ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येल्लो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, या ग्रे हो गया, या वाइट, गोल्ड, सिल्वर, या अगर चौथी रिंग है तो हो सकता है रिंग ही ना हो, चौथी कोई कलर की रिंग ही ना हो, तो उस समय नो कलर। अब जो ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो पहले से ये सब वैल्यू डिसाइडेड होती है, तो ब्लैक के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होती है वो 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, ऑरेंज के येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9, गोल्ड और सिल्वर के लिए होती थी ये सिर्फ या तो इधर आ जाते हैं इधर आ जाते हैं। अब जो डेसिमल मल्टीप्लायर होता है वो ब्लैक का होता है 10^0, ब्राउन का 10^1, रेड का 10^2, ऑरेंज का 10^3, येल्लो का 10^4, जो यहाँ पे वही यहाँ पे पावर हो जाती है 10^5, ऐसे 10^6, 10^7, 10^8, 10^9, यहाँ पे गोल्ड के लिए आ जाता है 10^-1, सिल्वर के लिए आ जाता है 10^-2। अब एरर, अभी जो चौथी रिंग होती है वो एरर इनमें से किसी में से नहीं बताते, इन लास्ट दो में के लिए एरर होता है, ना तो ये हो जाएगा। गोल्ड के लिए एरर होता है ±5%, सिल्वर के लिए वेरिएशन का एरर जो भी आपके तो ±10%। और अगर कोई चौथी रिंग ही नहीं है कि उसमें भी कलर ही नहीं दिया हुआ है तो उस समय जो एरर आता है वो आता है ±20%। तो अब ये हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद दिक्कत आती है कि इसको याद कैसे करोगे, कि एक बार याद रहेगा नहीं, एक तो क्या इसको बार बार देखने से याद रहेगा, और नहीं तो फिर इसकी ट्रिक होती है जो ट्रिक बताई भी जाती है हर जगह जब भी कोई टीचर बताता है, जो इसकी ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये इसकी ट्रिक होती है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जो भी कोई कैपिटल कलर है वो एक कोई कलर कैपिटल वर्ड है वो कोई भी कलर को डिनोट कर देगा। बी हो गया ब्लैक, ये बी हो गया ब्राउन, ये रेड हो गया, ये आर हो गया रेड, ये ओ हो गया ऑरेंज, वाइस हो गया येलो, ये कुछ नहीं है। अगला कैपिटल जी, जी हो गया ग्रीन, अगला कैपिटल बी, बी हो गया ब्लू, अगला कैपिटल वी, वी हो गया वायलेट, जी हो गया ग्रे, डब्ल्यू हो गया वाइट, और गोल्ड सिल्वर दो कलर आपको याद रख लो। अब दिक्कत है कि इतने सारे बी है कौन सा बी का आएगा, तो जो बी है उसमें तो जो पहले डार्क है वो पहला आएगा। अब जैसे ब्लैक ब्राउन और ब्लू में से डार्क क्या होता है, ब्लैक, तो ब्लैक पहला आ गया, फिर ब्राउन आ गया, फिर ब्लू हो गया। जी के लिए इसका उल्टा है, जो लाइट होगा पहला आएगा, तो ग्रीन पहला आ गया, फिर आ गया हमारा ग्रे आ गया बाद में, तो ऐसे याद कर सकते। बाकी आप कोई भी तरीका यूज करो याद करने के लिए। ये हमारा कार्बन रजिस्टर चल रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम अगले सेशन में करेंगे, बस एक बार इसका यूज करते हैं, सीख लेते हैं एक एनसीईआरटी के छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्या वो क्वेश्चन क्या है, ये जैसे कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, इसकी जो पहली रिंग है उसका कलर इन्होंने दे दिया ऑरेंज दिया हुआ है,
अगली लिंग है उसको अगर इन्होंने क्या दिया है ब्लू दिया हुआ है, और जो लास्ट लिंग है ये वाली क्या ये वाली नहीं और ये ब्लू है, अगली लिंग की थर्ड उसका कलर इन्होंने येलो दे दिया, ये एनसीईआरटी का ही है, और जो चौथी लिंग है उसका कलर इन्होंने दे दिया गोल्ड दिया हुआ है। तो अब इसके रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू वो हमें निकालनी है, तब इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले बताया था जो पहली रिंग है वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर को बताती है, पहली रिंग कौन सी है ऑरेंज, ऑरेंज का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3, 3 हो गया 3, अगली कौन सी है ब्लू, ब्लू का क्या है 6, ये हो गया 6, अगली कौन सी है अगले तो ये डेसिमल मल्टीप्लाई आ जाएगा, अब येलो के लिए क्या है डेसिमल मल्टीप्लाई की वैल्यू तो फिक्स है 10 की पावर 4 है, फिर अब अगले के एरर लिखना है, अगला एरर क्या है गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना एरर होता है, गोल्ड के लिए होता है प्लस माइनस 5% का वेरिएशन आ जाता है, ये हो गया गोल्ड, ये हो गया ओम, तो ये से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो एक बहुत बेसिक सा है या क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं कि ये दे दिया अब इसे ये पूछ लिया, या ये दे दिया इसे कलर का सीक्वेंस पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।